गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ्स इन स्टैंडर्ड 3। ओके, सो लास्ट टाइम जो चैप्टर है हमने किया था चैप्टर नंबर 9 से, है ना, हाउ मैनी टाइम्स, ये हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर दी थी, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 133 से। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट द मल्टीप्लीकेशन ट्री। यहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन का जो ट्री एक दिया हुआ है वो हमें कंप्लीट करना है। तो जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है 1010, तो उसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर 3 लीव्स दिए हैं, तो हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स कि आंसर 10 आए। तो यहाँ पर उन लोगों ने ऑलरेडी एक बता दिया, जैसे 2 5 10 होता है, ठीक है। अगर 2 5 10 होता है तो 5 2 भी क्या होगा 3, सॉरी 5 2 भी क्या होगा 10, ओके। उसके बाद हम 10 1 10, तो इस तरह से हमें नीचे जिस तरह से लीव्स दिए हुए हैं और जो नंबर यानी कि डिजिट हमें जो दिया हुआ है उसका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए हमें। अगर हम 2 5 10 होता है तो 5 2 भी 10 होता है और 10 1 भी 10 होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 12 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आएगा 6 2 12, है ना। अगर हम 6 2 करते हैं तो भी 12 होता है, फिर 3 4 भी 12 होता है, 12 1 भी 12 होता है और 4 3 भी 12 होता है। चलो उसके बाद है नंबर 18, तो 18 के लिए हम क्या करेंगे, 9 2 18, 6 3 18, 18 1 18 और 2 9 18, ओके। 9 2 18, 6 3 18, 18 1 18, 2 9 18। चलो अब उसके बाद है 3 5 35, 5 7 35, 7 5 35 और 35 1 35। तो हम यहाँ पे 3 तरीके से कर सकते हैं, तब अब आंसर 35 आ सकता है। चलो अब यहाँ पर है 2 4 24, तो 12 2 24, क्या लिखा हुआ है 24 है, तो 12 2 24, 6 4 24, 8 3 24, 24 1 24 और 4 6 24। यहाँ पे हम 24 अगर हमें डिजिट है अगर उसको मल्टीप्लीकेशन लाना है तो ये 5 तरीके से हम ला सकते हैं, 12 2 24, 6 4 24, 8 3 24, 24 1 24 और 4 6 24। अब है 36, तो 36 into 36 1 36, 6 6 36, 4 9 36, 18 2 36 और 2 3 36। चलो फिर से देखेंगे, 36 1 36, 6 6 36, 4 9 36, 18 2 36, 2 3 36, सॉरी 12 3 यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा लाइट हो गया, सॉरी 12 3 36। चलो उसके बाद नेक्स्ट है 45, तो हमें 45 का जो डिजिट है वो लाना है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 9 45, 45 के लिए हमें 5 9 टाइम्स काउंट करते हैं, तो हमारा आंसर 5 9 45 आता है। फिर 15 3 45, 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 45 आता है। फिर 45 1 करेंगे तो भी 45 आता है, 9 5 भी आएगा 45। चलो फिर से देखेंगे, 5 9 49, 15 9, 15 3 49, 45, 45 1 45 और 9 5 45। अब है 80, तो 80 के लिए ऑलरेडी यहाँ पे दिया है कि 8 10 80, 4 24 80, 2 42 80, 2 40 80 होता है, 4 20 80 होता है, 8 10 80 होता है, 1 80 80 और 16 5 80। तो इस तरह से हमें ये जो ट्री के लीव्स जो है वो हमें कंप्लीट करने हैं मल्टीप्लीकेशन से। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 2 12, 3 4 12, 12 1 12 और 4 3 12। उसके बाद है 18, तो 9 2 18, 6 3 18, 18 1 18 और 2 9 18।
35 है तो 5 7 सा 35, 7 5 सा 35 और 35 1 सा 35। उसके बाद है 12 2 सा 24, 6 4 सा 24, 8 3 सा 24, 24 1 सा 24 और 4 6 सा 24। 36 है तो उसके लिए हमें चाहिए 36 1 सा 36, 6 6 सा 36, 4 9 सा 36, 18 2 सा 36 और 12 3 सा 36। अब है 45 तो 5 9 सा 45, 15 3 सा 45, 45 1 सा 45 और 9 5 सा 45। और यहाँ पे 80 का तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। चलो नेक्स्ट है हाउ मैनी इन ऑल। चलो द अलमारी हैज़ फोर शेल्व्स, यानी कि उसमें कितने खाने, मतलब कि जितने भी उसमें अपने गुजराती में जेने कहवाई ने कि अपना कबाट में केटला खाना छे, तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, शेल्व्स। तो द अलमारी हैज़ फोर शेल्व्स, देर आर 5 बुक इन ईच सेल्फ, हाउ मैनी बुक्स आर देर इन अलमारीज। तो उन्होंने क्या किया है कि जो अलमारी है उसमें 4 शेल्व्स है, ठीक है, और 5 बुक्स है, तो कितनी होगी, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है 4 5 सा 20, तो 4 5 सा 20 बुक्स। चलो नेक्स्ट है अ शर्ट हैज़ 5 बटन्स, हाउ मैनी बटन्स वुड 3 शर्ट्स है। चलो अभी 5 बटन्स है 3 शर्ट में, तो 3 शर्ट्स में टोटल कितने बटन हो गए, तो आंसर आएगा 15 बटन्स, ओके। चलो उसके बाद है देर आर 4 फैन, ईच फैन हैज़ 3 ब्लेड्स, ठीक है, यानी कि 4 फैन है और सबको कितने कितने ब्लेड्स है, तो 3 ब्लेड्स है। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द ब्लेड्स इन ऑल, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। चलो देर आर 4 फैंस, यहाँ पे हमने देखा कि 4 फैंस है तो वो हमने यहाँ पे 4 लिखा। अभी ईच फैन हैज़ 3 ब्लेड्स, यानी कि ईच मतलब कि क्या, एक, तो अगर एक फैन को 3 ब्लेड्स है तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ब्लेड्स इन ऑल, यानी कि सारे फैन के जो टोटल ब्लेड्स है वो कितने होंगे, इसलिए हम 4 फैंस को 3 ब्लेड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12 ब्लेड्स। चलो नेक्स्ट है अ बॉक्स कंटेन 6 एप्पल, कितने हैं 6 एप्पल, हाउ मैनी एप्पल्स इन ऑल विल 7 बॉक्सेस हैव। चलो एक बॉक्स के अंदर 6 है तो 7 बॉक्स के अंदर कितने हो गए, तो उसके लिए हमें 6 7 सा करेंगे, तो 6 7 सा 42, तो क्या आएगा 42 एप्पल्स, ओके। तो जिस तरह से अभी मैंने इसमें किया है वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है। पहले मैं आपको ये नीचे वाला जो एक्सरसाइज है वो एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आपको होमवर्क बोलूँगी, ठीक है। चलो सम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। चलो अब यहाँ पर है जैसे 8 × 3, यानी 8 3 ज़ा, तो आंसर क्या आएगा 24, 8 3 ज़ा 24। 3 है तो अगर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो 3 5 ज़ा 15 भी लिख सकते हैं। अब 42 के लिए हम 6 7 ज़ा करेंगे तो भी 42 आंसर आता है, और 7 6 ज़ा करेंगे तो भी आंसर 42 आता है। अभी 5 है तो 5 10 ज़ा 50, तो 10 5 ज़ा भी क्या होगा 50। उसके बाद 6 × 8, तो 6 8 ज़ा 48, ये हमें अपने हिसाब से बनाना था तो मैंने यहाँ पर 6 8 ज़ा लिया है, तो 6 8 ज़ा 48। चलो उसके बाद है 5 7 ज़ा, 5 7 ज़ा 35, तो 5 × 7 = 35। 6 6 ज़ा 36 के लिए 6 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो अगर हम 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 36 आता है। 10 9 ज़ा, तो अगर हम 10 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 90 आता है। अभी है 9 को कैसे किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 36 आएगगा, तो 4 के साथ, तो 4 9 ज़ा 36। उसके बाद है 7 और 28, तो 7 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 28 आता है, तो 7 4 ज़ा 28। इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। मैं आपको फिर से बता दूँ 8 3 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 4 सॉरी 6 7 ज़ा 42, 5 10 ज़ा 50, 6 8 ज़ा 48, 5 7 ज़ा 35, 6 6 ज़ा 36, 10 9 ज़ा 90, 4 9 ज़ा 36 और 4 7 ज़ा 28। तो आपको क्या करना है, पेज नंबर 133 टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में वन टाइम ड्रॉ करना है, नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करना है,
और उसके बाद पेज नंबर 134 पर जो है वो अभी आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक में वन वन टाइम करना है, होमवर्क नोटबुक में वन टाइम, दोनों पेज आपको नोटबुक में वन वन टाइम करने हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू।